हेलो एवरीवन, व्रत के लिए मैं आपके लिए साबुदाना वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसे मैंने फ्राई नहीं किया है, इसे मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये झटपट से प्रीमिक्स पाउडर बना के रख सकती हैं, और अब आपको जब भी भूख लगे आप इस प्रीमिक्स से वड़े बना सकते हैं, या आप अप्पे भी बना सकते हैं, जो आपका मन हो। और ये झटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। कढ़ाई में हम एक कप साबुदाना का डाल देंगे, आधा कप मूंगफली का डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे हम इसे भुनेंगे। ना भिगोए साबुदाना हम ये बना रहे हैं। अब इसमें हम आधा कप समा का चावल डाल देंगे, ये इस तरह से होता है। ये भी हम इसमें डाल के इसे भी भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भुनना है। कभी भी आपके पास टाइम ना हो तो आप इस तरह से इंस्टेंट पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, 6 महीने तक ये खराब नहीं होता। अब इसमें हम एक कप मखाना डाल देंगे, ये भी अच्छे से हम भून लेंगे। सिर्फ हमें 2-3 मिनट के लिए ही भूनना है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। आप इस प्रीमिक्स पाउडर से कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप अप्पे बना लीजिए या आप चीला बना लीजिए, आप और क्या बना सकते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे हल्का सा इसे ठंडा कर लेंगे। अब ब्लेंडर जार में डाल के इसे हम पीस लेंगे, और इसे एकदम पाउडर नहीं करना है, कोरस पाउडर करना है, थोड़ा दरदरा, ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर कर लेंगे। इसे आप फ्रिज में 6 महीने तक रख सकते हैं। इससे आप कुछ भी बनाइए, चाहे आप इसके अप्पे बनाइए या चीला बनाइए या वड़ा बनाइए, और आप क्या क्या बना सकते हैं ये भी मुझे बताइए। अब हम एक कप प्रीमिक्स पाउडर का ले लेंगे। मैंने गरम तेल 2 टेबलस्पून लिया है। इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे, सबको इसमें प्रीमिक्स में हम डाल देंगे। अब इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि ये व्रत के लिए, हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने देखा, कोई झंझट नहीं हुआ, ना आपको साबुदाना भिगाना पड़ा, ना ही कुछ करना पड़ा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसमें हम बॉइल्ड आलू डाल देंगे। ये मैंने एक बड़ा आलू बॉइल करके रखा था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसे ग्रेट किया था, आप इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, क्योंकि इसके वड़े बनाने हैं हमने। ये देखिए इस तरह से, बिना टेंशन के आप वड़ा कभी भी बना सकते हैं, जब आपका मन हो, जब आपको भूख लगे। ये देखिए इस तरह से हम इसका वड़ा बना लेंगे। आप जो साइज में बनाना चाहते हैं, बड़ा या छोटा, ये देखिए इस तरह से मैंने ये वड़ा बना के रख लिया है। और इसे मैं डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करूँगी, बहुत हेल्थी तरीके से बनाऊँगी। ये मैंने एयर फ्रायर ले लिया है, इसमें सिर्फ अब इसमें मैं ब्रश से ऑयल लगा दूंगी हल्का सा, ये देखिए ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। अब सारे वड़े रख देंगे थोड़े से गैप में, और कितने हेल्दी ये बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, आप देखिएगा। अब ऊपर से भी मैं हल्का हल्का ऑयल लगा दूंगी, ताकि ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए ज़रा भी डीप फ्राई नहीं होने वाले हैं। अब इसे हम बेक होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, और इसे हम 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। और इसे आप बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, 10 मिनट के बाद इसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे वापस से पलटना होगा, ताकि दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये ब्राउन भी हो चुके हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं और इसे फिर से हम बेक होने के लिए रख देंगे। टाइम तो सेट किया हुआ है। अब ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितने गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बने हैं बिना तले, आप देख सकते हैं। व्रत में हेल्दी साबुदाना के वड़े बना के खाइए, सबको खिलाइए बिना तेल में तले हुए। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, और खाने में तो लाजवाब है। इसे आप चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या दही के साथ भी खा सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है। तो ये लीजिए आपके बिना फ्राई किए हुए साबुदाना वड़ा बन गया है, दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।